बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको T20 वर्ल्ड कप के मैच में न्यूजीलैंड के पाकिस्तान के हाथों हारने पर सहाफियों और सियासतदानों के तबसरों के अलावा इंडिया के मैच हारने पर मरियम नवाज और इंडियन मीडिया की अब तक आ रही चीखों पर दिलचस्प तबसरे और तजिये दिखाएंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान के 80 के स्कोर पर पूरी अवाम दिल बर्दाश्ता हो चुकी थी, लेकिन इस वक्त आसफ और शोएब ने पूरे इत्माद के साथ स्टेडियम में बैठे पाकिस्तानियों के बुझते चेहरों को देखते हुए छक्के चौके मारकर गेम की बाजी पलटकर रख दी। 90 की दहाई के बाद हुब्बुल वतनी वाली क्रिकेट आज देखने को मिली। सबसे पहले न्यूजीलैंड के हारने के बाद तमाशाइयों के नारे सुने। इस पर जमील फारूकी ने लिखा, स्टेडियम में न्यूजीलैंड के हारने के बाद सिक्योरिटी सिक्योरिटी के नारे, इसे कहते हैं नकद कुत्ते वाली होना। जिस वक्त तमाशाई सिक्योरिटी सिक्योरिटी के नारे लगा रहे थे, इस वक्त न्यूजीलैंड टीम की हालत देखने के लायक थी। स्तिकजान ने लिखा, न्यूजीलैंड वाले जितने नाजुक मिजाज बनते हैं, हो सकता है पाकिस्तान के खिलाफ हरासमेंट का केस कर दें। राणा इरफान वाब ने लिखा, आज स्टेडियम में किसी पाकिस्तानी ने जोर से चीख भी मार दी तो न्यूजीलैंड टीम का त्रा निकल जाना है, साले डरपोक। जमील फारूकी ने यह मीम शेयर किया, भारतीय वजीर आजम बाजी तुसी हार गए हो, वजीर आजम न्यूजीलैंड पाइना से हारे हैं, तुसी जलील होए हो। अरसलान बलोच ने एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा, मुबारक हो, न्यूजीलैंड टीम की सिक्योरिटी क्लियर हो गई, हमारे फौजी भाइयों की ट्रोलिंग का अपना ही लेवल है, मुबारक हो, न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी क्लियर हो गई। फवाद चौधरी ने कहा, असर गुस्से ही मैं न्यूजीलैंड पे था, ये इंडिया तो रास्ते में आ गया। एंकर इमरान खान ने लिखा, हम न्यूजीलैंड को इनकी सिक्योरिटी टाइट होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। मखदूम शहाबुद्दीन ने न्यूजीलैंड के खिलाड़ी का रन आउट होने का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, अब नहीं भागा जा रहा इनसे, पाकिस्तान से तो फौरी भाग गए थे। मोहम्मद हफीज ने यह तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, न्यूजीलैंड से फतह पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के नाम करते हैं। लियाशमी ने लिखा, जो शिकस्त के खौफ से पाकिस्तान आकर न खेले, इसे हम खुद जाकर हरा आते हैं। न्यूजीलैंड को सिक्योरिटी की नहीं प्रैक्टिस की जरूरत है, सिक्योरिटी का तो पाकिस्तान ने आज पक्का बंदोबस्त कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, नालायको, अब प्रैक्टिस भी हम करवाएं। वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट किया, बहुत मुबारक टीम पाकिस्तान, बॉलिंग एक मरतबा फिर शानदार रही, एक उम्दा टीम हार की सूरत में अपनी गलतियों का जायजा लेगी, एक अजीम टीम जीत के बावजूद अपने खेल का जामिया तजिया करती है। फयाज राजा ने कहा, इमरान खान ने अपना वादा पूरा किया, आज का मैच जीत कर ये साबित हुआ। ये क्लिप देखें। फैसला किया है कि मैं अब ये पाकिस्तान टीम को ठीक करने लगा हूँ, इंशाल्लाह आपको काफी मायूसियाँ हो चुकी है, इंशाल्लाह जो अगला वर्ल्ड कप में आप जो पाकिस्तानी टीम देखेंगे, याद अभी मेरे ये लफ्ज याद रखना कि वो टीम बिल्कुल एक ऐसी प्रोफेशनल टीम आपको लेके आएंगे ग्राउंड के अंदर, बेस्ट टीम लेके आएंगे। अनवर लोधी ने लिखा, बाइकाट की साजिश में शरीक दूसरे मुल्क को भी शिकस्त, अब एक और रह गया, इंशाल्लाह वो भी धूल चाटेगा, अब सब लोग तो पाकिस्तानी टीम की शानदार परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहे हैं। वक्त निकाल कर मरियम और फजलुर रहमान की भी सुन लें, उन्होंने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू कर रखी है। अनवर लोधी ने मजीद लिखा, वैसे मरियम नवाज ने अभी तक पाकिस्तान की जीत की मुबारकबाद नहीं दी, खैर तो है। सल्लू दुरानी ने मरियम नवाज की हालत बताते हुए लिखा, झांसे की रानी, पहले वो हंसी फिर रो पड़ी, इसे पता लगा कि लोग सड़कों पर आ गए हैं तो हंस पड़ी, फिर बताया गया कि मैच में जीत का जश्न मनाने सड़कों पर आए हैं तो रो पड़ी। न्यूजीलैंड के हारने पर तलत कश्यप ने लिखा, जरा कुछ जाति उमरा का तो पता करो, सबको सांप सूंघ गया है क्या, इतने सारे सदमे एक साथ कैसे बर्दाश्त करेंगे। इंडिया और न्यूजीलैंड के दुख में बराबर के शरीक जाति उमरा में आज फिर सोग मनाए जाने का ऐलान, ग्लास भी काम नहीं कर रहा आजकल तो। सादिया हुमा ने नवाज शरीफ की यह तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, न्यूजीलैंड वालों शुक्र करो हमारा ये बैट्समैन दवाई लेने लंदन गया हुआ है, वरना ये 135 का टारगेट तो इसने 4 ओवर्स में ही पूरा कर देना था। एक सोशल मीडिया सार्फ राशिद हफीज ने लिखा, जाति उमरा के बासियों, इस गटर को कहना आज अपने ऊपर से ढक्कन ना हटा देना, या फिर आज की रात इस नफसियाती से मोबाइल ले लें, हम पाकिस्तानी आज अपनी फतह का जश्न और रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा कर रहे हैं। याद रखें, न्यूजीलैंड टीम के दौरा पाकिस्तान अधूरा छोड़कर भागने पर मरियम सफदर ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए ये जुमला लिखा था, मैं सब्ज पासपोर्ट की इज्जत करवाऊंगा। जबकि इंडिया के मैच हारने पर कौम को मुबारकबाद देने या टीम की तारीफ करने की बजाय इमरान खान के मैच देखने पर लिखा था कि मुल्क में खल्के खुदा भूख, महंगाई और नाहली से मर रही है, और इनको देखो, बेजमीरी और बेहिसी का अगर चेहरा होता तो ऐसा होता। इस ट्वीट पर मरियम सफदर को शदीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, और तो और नून लीगी पटवारी शर्म जिनके करीब से भी नहीं गुजरती, वो भी मरियम नवाज के इस बयान पर शर्मिंदा दिखाई दिए। जैसे मुबशर जैदी ने लिखा था, खुदा के लिए तारीखी जीत का जश्न मनाने के लिए सियासत को एक दिन के लिए छोड़ दें, वो इस खेल को पूरी कौम की तरह देख रहा है,
लेकिन मरीम नवाज के स्ट्रीट पर बहुत से लिफाफे जो पक्के लिफाफे हैं बिल्कुल खामोश रहे। सदीक जान ने लिखा, CNN पर पाकिस्तान मुखालफ खबर पर फौरन ट्वीट्स करने वाले मंसूर अली खान, रिहाम खान और आसमा शराजी का पाकिस्तान की जीत के बाद मरियम नवाज के घटिया ट्वीट पर कोई रद्द अमल, अगर आपने देखा हो तो बताइएगा। वजीर ममलकत फरख हबीब ने ट्वीट करते हुए मरियम नवाज को मशवरा दिया, मैडम बर्नोल लगाएं, जलन तो महसूस होगी क्योंकि आपके अंकल मोदी की टीम हार गई। पाक फौज के जश्न मनाते हुए ये फुटेज देखें। जब पाक फौज इतनी खुश थी तो मरियम सफदर कैसे खुश हो सकती थी। उस्मान सईद बसरा ने मरियम नवाज को जवाब देते हुए लिखा, इस औरत ने सोचा सारा मुल्क ही खुश है, आज कोई किसी को गाली नहीं दे रहा, लिहाजा सोने से पहले मैं अपने हिस्से की सौगात समेटूं और सुकून से सो जाऊं। उस्मान सईद बसरा ने मजीद लिखा, भारतीय मीडिया अब नया चूर्ण बेच रहा है, कहा पाकिस्तान हमसे वर्ल्ड कप में एक बार ही जीता, प्यारे हिंदुस्तानियों कल भी कहा था कि आपने घबराना नहीं है मगर आप तो इतना घबरा गए कि भूल ही गए, 100 सुनार की एक लोहार की, कल रात वाला एक हथौड़ा लोहार का था और हथौड़ा भी इतना कि सुनार साई साई कर रहा है। मलिहा हाशमी ने लिखा, भारत की शिकस्त पर मरियम नवाज खुश होने की बजाय गुस्से में क्यों तिलमिला रही है, इनसे ज्यादा खुशी से तो भारतीय कप्तान कोहली ने पाकिस्तान को जीतने पर मुबारकबाद दी, इमरान खान की पेशन गोई अल्लाह ने सही साबित कर दी, तो इस पर भारत से अफसोस जरूर करें, पाकिस्तान के वजीर आजम पर जहर न उगलें। दोस्तों पाक क्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें, शुक्रिया।